ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने जस्ट एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया था एक्स मल्टीप्लाई बाई पी डायरेक्टली, लेकिन इस केस में क्या जस्ट एक्स डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई पी। चेक इट, इज इट वैलिड एग्जाम्पल और इनवैलिड एग्जाम्पल। अगर देखा जाए तो डिवीजन ऑपरेशन कैसा है वैलिड, लेकिन यहाँ जस्ट प्रॉब्लम क्या है, जस्ट सिंटैक्टिकल मिस्टेक। सिंटैक्टिकल मिस्टेक जस्ट सी लैंग्वेज में आपने देखा, सी लैंग्वेज के अंदर टू टाइप्स के कमेंट्स अवेलेबल हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्रिएट किससे होते हैं, स्लैश और स्टार के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ सिंपली जस्ट रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, बिगिनिंग और स्टार्टिंग ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स। मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के जस्ट बाद जब आप सी एस प्रोग्राम को कंपाइल करके ट्राई करोगे तो इसके समय रिमेनिंग कोड जस्ट कंसीडर कैसे होगा, एज अ पार्ट ऑफ कमेंट्स। इसे पूरा पार्ट आप हाइड कर लोगे, पार्ट ऑफ कमेंट प्लस इस कमेंट का कोई करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग फाउंड हो रहा है क्या नहीं, देन इसलिए रेज क्या हुआ इसके समय, कंपाइल टाइम एरर। अगेन क्या है इसके समय, कंपाइल टाइम एरर। मीन्स कंपाइल टाइम एरर जस्ट किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग मल्टी लाइन कमेंट्स। क्लियर, देन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जस्ट आप यूज करोगे या प्रोवाइड करोगे स्पेस, मीन्स एक्स डिवाइडेड देन स्पेस देन स्टार पी। अगर आपने इस केस में इन दोनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड किया देन ये ऑपरेशन कैसा है, वैलिड। देन फाइनली एक्स के प्लेस पर क्या जाएगा, एक्स का वैल्यू स्टार पी, स्टार पी किसका नेम होगा, नेम ऑफ एक्स। अगेन दोनों की मीनिंग कैसे सेम, तो स्टार पी का भी वैल्यू क्या है इस केस में, ऑल्सो देन। फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, एज अ वन।